This story is brought to you by tapeatale.com. तेरी हर एक बुराई पे टाटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। दोस्ती एक खास रिश्ता जो ना तो प्यार के रूप में बंधा है ना ही परिवार के रंग में ढला है। मैं मानती हूँ कि दोस्ती एक नायाब रिश्ता होता है और स्पेशली वो दोस्ती जो बचपन से शुरू हुई हो। ये कहानी भी एक ऐसी ही स्टोरी है। कहानी है तो स्टोरी होगी ही। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक बचपन की दोस्ती के बारे में, लेकिन वो दोस्ती जो ऑलमोस्ट जवानी यानी कि टीनेज तक आते आते खत्म हो गई। खत्म क्यों हो गई मैं आपको बताऊंगी। साक्षी और मैं क्लास फोर्थ में एक दूसरे के फ्रेंड्स बने, और फ्रेंडशिप भी दो ऐसे लोगों के बीच में जो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। मैं रिबेलियस टीनेजर, वो काफी टिमिड। मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर, वो एवरेज। मैं हर चीज में एक्सट्रोवर्ट, हर किसी से बात कर लेती, वो थोड़ा शर्माती, हर चीज में थोड़ी इंट्रोवर्ट। लेकिन एक सिमिलैरिटी थी हम दोनों के बीच में, हम दोनों के और कोई दोस्त नहीं थे। मैं साक्षी की इकलौती फ्रेंड और साक्षी मेरी इकलौती फ्रेंड। एंड यू नो आई थिंक कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की कमियां भी पूरी करते थे। मैं उसको पढ़ाई में हेल्प कर देती थी, लड़कों से बात करवा देती थी, मोहल्ले की उस हर गली में लेकर जाती थी जहां मम्मी डैडी ने जाने से मना किया होता। एंड साक्षी ऑन द अदर हैंड मुझे घर पे बुला के केबल टीवी दिखाती थी, पॉकेट मनी खर्च करती थी, और मेरे हर बर्थडे पर सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे साक्षी देती थी। कुछ ऐसा ही गुजरा, काफी साल निकल गए, और फिर अचानक हम लोग टीनेज की सीढ़ियां साथ में चलने लगे। फर्स्ट पीरियड से लेके फर्स्ट बॉयफ्रेंड तक हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सारे सीक्रेट्स मालूम थे। यू नो दोस टीनेज फ्रेंडशिप्स, वो सीक्रेट्स पे ही जीती हैं। मम्मी पापा की डांट और पिटाई से जो फ्रेंड आपको बचा के रखे वही फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, वो राजदार। और हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स बना के ही रखेंगे। कट टू मेरा 15वां जन्मदिन। जन्मदिन अच्छे से बनाने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है प्यार की। और मेरे परिवार में बहुत सारा प्यार था। मेरी मम्मी हमेशा इंश्योर करती थी कि हमारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, लेकिन ये प्यार वाला 15वां जन्मदिन और भी प्यारा इसलिए था क्योंकि मुझे पहला प्यार हुआ था। यू नो दोस टीनेज लव स्टोरीज, काफी क्यूट, काफी इनोसेंट, एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी वो सबसे ज्यादा प्योर इश्क होता है आपकी जिंदगी का, जिसमें आपको उस इंसान से और कुछ नहीं चाहिए होता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और मेरे न्यू फाउंड फ्रेंड ने, कि हम लोग देहरादून की फेमस एलोराज बेकरी में मिलेंगे सुबह 11 बजे, और वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा, साथ में पाइनएप्पल पेस्ट्रीज भी खाएंगे। तो साक्षी और मैंने डिसाइड किया कि बहुत सिंपल है, मामा को बोलूंगी कि साक्षी के घर जा रही हूँ, मामा को बोलूंगी कि साक्षी ने गिफ्ट दिया है, वेरी सिंपल। तो 11:15 बजे मैं अपने घर से निकली सीधे एलोराज बेकरी की तरफ। इससे पहले कि मैं अपना गिफ्ट खोल के देखती और पाइनएप्पल पेस्ट्री खाती, बाहर से बीप बीप एक फेमिलियर से हॉर्न की आवाज आई। बाहर निकले, देखा पापा खड़े गुस्से से आग बबूले और कहते हैं पीछे बैठो। मैं डैडी की बाइक पे बैठ गई और मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाला बर्थडे प्यार वाला बर्थडे तो नहीं होने वाला है। घर के गेट पर पहुंची, मम्मी डंडा लेके खड़ी थी। मम्मी ने बहुत डांटा, एक आधा थप्पड़ भी लगाया, और मैं रोई चिल्लाई, गुस्सा भी हुई कि मेरे बर्थडे पे आप मुझे कैसे मार सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं चली मम्मी के सामने। हमारे घर में ऑब्वियसली लड़कों से फ्रेंडशिप करना अलाउड नहीं था, और मम्मी का दुख इस बात का था कि मैंने इस बात को मम्मी से सीक्रेट क्यों रखा, घर से बता के क्यों नहीं गई। और उस दिन मम्मी और मेरे बीच में बात हुई कि आगे से कहीं भी जाने से पहले आपको बता के जाऊंगा। जन्मदिन नहीं मना उस दिन, ना कोई गिफ्ट्स मिले,
लेकिन एक सीक्रेट अभी भी बाकी था कि मम्मी डैडी को कैसे पता चला कि मैं कहां गई हूं और किससे मिलने गई हूं। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैं एक बात बताओ, आपको पता कैसे चला? उन्हें कहती है, वो तो अच्छा हो साक्षी कितनी अच्छी लड़की है, अगर वो ना बताती तो हमें तो पता भी नहीं चलता। 15 साल की प्रिया इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि बर्थडे पे सिर्फ एक गिफ्ट मिला था, बहुत बड़ा वाला गिफ्ट, और वो था बिट्रेयल, धोखा, खून भरी मांग की रेखा की तरह मेरे मन में भी सिर्फ एक जज्बा था और वो था बदला। साक्षी ने मुझे हर्ट किया है तो अब मैं साक्षी को हर्ट करूं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? Was it anger? Was it revenge? Was it jealousy? Or did she just do it for fun? मुझे सचमुच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब साल था 2002, हमारी 10th के बोर्ड एग्जाम्स होने ही वाले थे। Do you remember कि उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती थी जिसमें 10 साल के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स होते थे? या वो बुक आई थी उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी देहरादून के बुक शॉप्स में। मेरे माउम डैड तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन साक्षी के मम्मी पापा फर्स्ट पब्लिकेशन खरीद के रखी हुई। और साक्षी की वो बुक मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुझे हेल्प करने के लिए मैं इसमें नोट्स बना के दे दूंगी। कुछ दिन बाद साक्षी के घर से उसके मुन्ने भैया जो वहां पे काम करते थे वो आए और कहते हैं, शिवानी बेबी ने अपनी बुक वापस मांगी है। और मैंने कहा, खून भरी मांग की रेखा की तरह, कौन सी किताब? और जब तक कि मम्मी बाहर गई और दरवाजा बंद किया और गेट लॉक किया वगैरह वगैरह, मैं भाग के घर के मंदिर में गई और गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति के पीछे उस बुक को छुपा दिया। तो अब ये सीक्रेट मेरे और गणेश जी के बीच में था। उसके कुछ दिन बाद साक्षी के पेरेंट्स ने सबको फोन किया, मेरे रिश्तेदारों को, मासियों को, चाचियों को। फेसबुक नहीं होता था तो स्टेटस नहीं डाल पाए। मेरे सब फ्रेंड्स को, टीचर्स को, और सबने मुझे आके बोला, प्रिया क्या साक्षी की बुक तुम्हारे पास है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास है तो वापस दे दो। मैंने कहा, नहीं, उसकी बुक तो भगवान भरोसे। मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए। कभी कभी एग्जाम हॉल में साक्षी मिलती तो हम एक दूसरे को देख के मुंह मोड़ लेते, कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं। लेकिन लास्ट एग्जाम्स का दिन आया और मैं घर वापस आ गई। घर वापस आते ही सीधे मंदिर में गई, गणेश जी की मूर्ति के पीछे से उस किताब को निकाला और अपनी हीरो होंडा साइकिल के कैरियर में उस बुक को दबा कर मैं साक्षी के घर की तरफ निकल पड़ी। और इस बार भी मम्मी को बिना बताए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बारिश बिल्कुल चेहरे पर ऐसे टपक रही थी जैसे बदले की आग। साक्षी के बंगले पर पहुंची मैं, बड़ा सा काला गेट, मैंने गेट खोला और अनडिटेक्टेड मैं उसके ग्रीन से लॉन के अंदर पहुंच गई। वहां एक बहुत बड़ा फाउंटेन था और मैंने एक एक करके उस किताब को फाड़ा। एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, और ऐसे फाउंटेन में बहा दिया। फिर जाकर साक्षी के घर की डोरबेल बजाई, मुन्ने भैया। मैंने कहा, साक्षी बेबी की बुक वापस करने आई हूं। और उन्होंने कहा, कहां है? और मैंने कहा, वहां। वो दिन था आज का दिन। साक्षी और मेरे बीच तो क्या, मोहल्ले में दोनों फैमिलीज के बीच भी बात होना बंद हो गई। 10th के बाद मैंने स्कूल बदल लिया, कुछ साल बाद देहरादून छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया चली गई। लेकिन हमेशा सोचा कि जो साक्षी ने किया वो तो ठीक था, लेकिन जो मैंने किया क्या वो सही था? अराउंड 10 साल बाद मुझे फेसबुक पर एक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई, साक्षी की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। मैंने तुरंत ही एक्सेप्ट और उसे एक बहुत बड़ा अपॉलॉजी नोट लिखा और इसलिए लिखा कि उन 10 सालों में मैं सीख गई थी कि बदले की भावना से ज्यादा जरूरी है माफ करने और माफी मांगने की संस्था। साक्षी ने ज्यादा कुछ ही नहीं किया उस रिस्पॉन्स में। उसने कहा, ठीक है, कैसी हो, कहाँ हो, अपना नंबर दो, टच में रहो। और मैंने अपना नंबर दे दिया और हम ऑलमोस्ट टच में रहे। लेकिन कहते हैं ना,
कि ऐसी कहानियां सुनाने से डर लगता है। पिछले 20 सालों में ये कहानी मैंने शायद 20 लोगों को भी नहीं बताई होगी, और इसी डर से, इसी शर्म से, इस हिचकिचाहट से इस कहानी में मैं कैसी लगूं। लेकिन जरूरी है ऐसी कहानियां भी बयां करना जिसमें आप खुद गलतियों का ढांचा बने। लाइफ के फुल सर्कल गया। आज से लिटरली 2 हफ्ते पहले साक्षी मुंबई आई हुई थी और उसका मुझे मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है, और मैंने सोचा कि मैं उसे मिलूंगी और बताऊंगी कि मैं ये कहानी फाइनली लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मैं अंदर रेस्टोरेंट पे गई तो वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। हम लोग बैठे, कुछ पुरानी बातें हुई, कुछ नई बातें हुई, हम लोगों ने अपनी दोस्ती को तस्वीरों में कैद किया, और फिर बातों बातों में बात छिड़ी कि हमारी बात होना क्यों बंद हो गई। और वो मुस्कुराई और कहती है, ऑनेस्टली मुझे तो याद भी नहीं। फिर मैं मुस्कुराई अपना सूट पहन के और मैंने कहा मुझे तो याद है, और उसे कुछ कुछ याद दिलाया। लेकिन उसके साथ उसे ये भी कहा कि मुझे गम इस बात का है कि इतनी खास दोस्ती को हमने इतने आम तरीके से जाने दिया। एंड में यही बात हुई कि चलो अच्छा है, ये कहानी मैं लोगों को सुना रही हूँ, और जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो याद रखेंगे कि दोस्त की दोस्ती होना जरूरी है, राज का राजदार होना भी जरूरी है, और इसीलिए जिंदगी में दोस्ती का प्यार भी बहुत जरूरी है। दोस्ती बड़ी हसीन है, जीना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो रसदार बेगरस तेरा हो यार, कोई तो हो रसदार।